अस्सलाम वालेकुम अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका भाई नसीम सिद्दीकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली आपके बीच में लाइव आना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं इस समय महाराष्ट्र की सरजमी पर हूँ और मिस्टर एजाज खान साहब कल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, व तो इज्जत व मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, बेशक बेशक इज्जत देने वाला अल्लाह है, बेशक जिल्लत देने वाला अल्लाह है, लेकिन मिस्टर एजाज खान साहब शायद आपको इज्जत रास नहीं आई। आप बहुत बहुत बड़ी बातें करके मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर तनकीदें कस रहे थे कि मैंने कहा था ऐसा, मैंने कहा था वैसा। तो मिस्टर एजाज खान साहब अब आप बताइए, मुमरा के एमएलए से कितने की डील करी? कौसा इस गाड़ी को भली भांति जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि गाड़ी कौन सी है और किसकी है। न मुमरा कौसा सिर्फ पूरा छाने, लगभग मुंबई के भी बहुत से इलाके, मुंबई के भी बहुत से इलाके इस गाड़ी को जानते हैं। इस गाड़ी में कौन बैठ रहा है, उस व्यक्ति का नाम है फिल्म एक्टर और मुमरा कलवा से विधानसभा चुनाव का लड़ने का दावा करने का पूरा उधम मचाने वाले एजाज खान। एजाज खान जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं सबको पता है वो गाड़ी जितेंद्र आवाड़ की है, उसका नंबर उसकी तस्दीक कर रहा है। वहीं जब एजाज खान अपनी गाड़ी में से उतर करके इस गाड़ी की तरफ आते हैं तो बाहर खड़े हैं मुन्ना साहिल। मुन्ना साहिल से चंद कदमों की दूरी पर खड़े हैं जितेंद्र आवाड़ के चालक गणेश पवार, जिन्हें लगभग मुमरा कौसा का एनसीपी का हर कार्यकर्ता जानता है। ये उस वीडियो का पूरा घटनाक्रम है। हेडलाइंस टुडे ने एक सवाल किया, 5 सितंबर को एजाज खान किसकी गाड़ी से निकले, उसका पूरा खुलासा हम आपको बता रहे। वो गाड़ी थी जितेंद्र आवाड़ की। मालूम था कि अल्लाह इज्जत देने वाला है और तुम जैसे को इज्जत रास नहीं आ सकती, क्योंकि तुम जैसे ही कौम के दलाल जो कौम को बेचना चाहते हो चंद रुपयों के लालच में। नोहरा शेख ने कितने पैसे दिए थे तुम्हें? मुझे लगता है कि मुमरा की डील उससे मोटी होगी आपकी। अरे पैसे के लालच में तुम जाकर बाइक अल्लाह पहुंच गए वारिस पठान को नुकसान पहुंचाने के लिए, और वहां जाकर बड़ी बड़ी बातें कि वो ऐसा किया वो वैसा किया, मुमरा से मुझे धोखा मिला। आज उसी मुमरा के एमएलए से कितने की डील करी मिस्टर एजाज खान साहब? आवाम तुमसे पूछ रही है, और मैं एजाज खान के फॉलोअर्स से, उनके चाहने वालों से जो फेसबुक पर चिल्ला चिल्ला कर कमेंट में लिख लिख कर कह रहे थे कि एजाज खान को टिकट दे दो, एजाज खान को इलेक्शन लड़ा दो, अब एजाज खान के फॉलोअर, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं अपने भाइयों से जो उसके लिए ताईद कर रहे थे, जरा आप सवाल करिए एजाज खान साहब से कि एजाज खान साहब कितने पैसे लिए आपने जितेंद्र अवार्ड से? अरे आपकी वैल्यू यही है। मुझे मालूम है कि मैंने आपसे कहा था कि सियासत कोई खिलौना नहीं है, कोई झुंझुना नहीं है मिस्टर एजाज खान साहब, जिसे आप हाथ में लेकर बजा लोगे। कल इतनी बड़ी बातें मेरे कायद पर कह रहे थे कि असद साहब को किस चीज का घमंड है, असद साहब किस चीज का घमंड है। अरे अल्लाह ने उन्हें एक अच्छी सोच दी है, एक फिकर दिया है, मिल्लत के लिए जज्बा दिया है और कौम के लिए हमदर्दी दी है। तुम कौम की हमदर्दी दिखा रहे थे, तुम्हारे जैसे लोग ही तो मीर जाफर और मीर सादिक हमारी कौम के अंदर कभी नहीं मर सकते। पहले भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया था और आज भी तुम्हारे जैसे मीर जाफर मीर सादिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे को तुम्हारी तरफ उंगली उठाते हुए अब कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर, पहले मैं ये सोच रहा था शायद तुम्हारे अंदर मिल्लत का जज्बा है या क्या पता तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन यकीनन मेरे कायद का फैसला बेहतरीन फैसला था और मैंने कहा था कि मेरे कायद का फैसला सबसे बेहतर फैसला होता है। चंद रुपयों के लालच में तुम वारिस पठान का नुकसान करने बाइक अल्लाह पहुंच गए। इस वीडियो को देखने के बाद बड़ा रहम आया, बड़ा तरस आया पूरे मुस्लिम समाज पर।
और उस बात का भी राज खुल गया कि एजाज खान भाईखला क्यों चले गए। भाईखला जाने की वजह साफ हो गई। कितने लाइव किए एजाज खान ने, अपने आप को मुस्लिमों का कायद बोलने वाले दूसरे मुस्लिम नेताओं को उन्होंने कोसा, लताड़ा, कई सवाल खड़े किए। मगर ये जो सच सामने आया है ये बेहद भयानक और घिनौना है। जाहिर सी बात है कि आप उस गाड़ी में गए, जब आप कलमा मुमरा से लड़ने की बात कर रहे थे तो जितेंद्र आवाड की गाड़ी में जाने का ये वीडियो सामने जो आया है क्या सवालात खड़े कर रहा है। इसका खुलासा क्यों मुसलमानों की रहबरी, उनकी लीडरी करने का उनके अपने कौम के ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं भाईखला की आवाम से कहना चाहता हूं, मेरे भाई ऐसे धोखेबाजों से, ये एक्टर है, इसके अंदर फिल्मी कला भरी पड़ी है, ये रोएगा भी, ये रुलाएगा भी, ये नाचेगा भी, ये नचाएगा भी, ये गाएगा भी और ये गवाएगा भी। मेरे भाई ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोग हैं जो कौम को बर्बाद कर रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कर देने से। फेसबुक पर इलेक्शन नहीं जीता जाता है मिस्टर एजाज खान साहब, अगर फेसबुक पर इलेक्शन होता तो सभी जीत चुके होते, फेसबुक पे तो सभी मेरे भाई लीडर हैं। आप सोच रहे थे कि मैं फेसबुक पर आता हूं, चिल्लाता हूं, बड़ी बड़ी बातें करता हूं, लोग, अरे लोग मोहब्बत करते हैं, उनके जज्बातों से खेला है आपने, उनके एहसासों से खेला है, मेजाज खान साहब के चाहने वालों से। ये कहना चाहता हूं जो सबके कमेंट में घुस घुस के कह रहे थे कि टिकट क्यों नहीं दिया, अब आपको मालूम पड़ा टिकट किस लिए नहीं दिया, क्योंकि चंद पैसों के लालच में, चंद रुपयों के लालच में मेरे भाई अपने ईमान का सौदा कर देते हैं और ऐसे लोग कौम के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाकर खामोश था कि शायद शायद नाइंसाफी हुई होगी, लेकिन यकीनन आप जैसे लोगों के साथ और आप जैसे लोगों की सोच जो मुसलमानों को इस कागार पे ला रही है, बर्बादी के कागार पर, आप जैसे लीडर बन गए तो ना जाने कितने लोगों का सौदा कर देंगे, कितने लोगों के ईमानों का सौदा कर देंगे आप लोग मेरे भाई। चलो शुक्र है मुमरा से वो तो गया, अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र है कि मुमरा से तुम नहीं आए। अगर तुम मुमरा से इलेक्शन लड़ने आते तो ना जाने कितने लोगों के जमीर को बेच देते, ना जाने कितने लोगों के ईमान को बेच देते, उनका सौदा कर देते। और यकीनन तुमने सौदा कर दिया, क्योंकि तुम वहां से निकले, भाईखला जाने का तुम्हारा मकसद क्या था। अब मैं समझ गया कि तुम हम पर तनकीद कस रहे थे, असल मायने में राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने तुम्हें मोहरा बनाया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच में जाओ, उसे बदनाम करो, क्योंकि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर कामयाबी हासिल कर लेगी तो राष्ट्रवादी का वजूद खत्म हो जाएगा, कांग्रेस का वजूद मिट जाएगा और तुम्हारे जैसे मीर जाफर और मीर सादिक को मिलाकर वो एक साजिश रची, एक जाल बुना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र की सरजमी पर कमजोर किया जाए। और तुम्हारे जैसे लोग जो चंद रुपयों के लालच में पूरे कौम का सौदा कर देते हो मेरे भाई, मेरे कायद पर उंगली उठाने वाले, सुन लो मिस्टर एजाज खान साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अब आना लाइव और जवाब देना, कहना वो वीडियो भी झूठ थी, अभी बड़ी बड़ी बातें कि MIM के IT सेल वाले, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के IT सेल वाले मुझे ऐसा दिखा रहे वैसा दिखा रहे, मैं गांजा भी पीता था, मैं दारू भी पीता था, मैं नंगा नाच भी करता था, लेकिन अब मैंने सब छोड़ दिया। क्या सब छोड़ दिया? कौम के लिए, कौम की हमदर्दी में मैंने दारू पीना छोड़ दिया, मैंने गांजा पीना छोड़ दिया, मैंने नंगा नाच करना छोड़ दिया। वारे कौम की हमदर्दी, वार तुम्हारे कौम की हमदर्दी, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये एक्टिंग का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी एक्टर की जमात नहीं है, याद रखना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सिर्फ शेरों की जमात है, तुम्हारे जैसे चंद रुपयों में बिकने वाले लोगों की जमात नहीं है। तुम छोड़ दोगे? अरे मेरे भाई जाओ, तुम में और उस राखी सावंत में कोई फर्क नहीं है, वो भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अनाप शनाप बोलना और तुम भी वही। तो मैंने कहा था ना कि तुम में और कॉमेडियन में चाहे बे
बेहया एक्टर जो होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, तुम दूसरे दूसरे दिमाग के इंसान हो मेरे भाई। और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में छोटा सा आदना सा सिपाही भी मेरे भाई बहुत सारी सलाहियत रखता है, सोचने का जज्बा रखता है। तो मिस्टर एजाज खान साहब, अब अपनी बातों को बंद कर देना, अपनी जुबान से कोई आवाज मत निकालना। और बाइक अल्लाह की आवाम से कह रहा हूं, जब ये आए तो मेरे भाई चप्पल उतारो और इसके मुंह पर मारो। कौम के सौदागरों को इसके मुंह पर चप्पल उतार के मारना और कहना कि कितने में सौदा करके आया है बाइक अल्लाह के वोटों का। चंद वोट लेगा मेरे भाई, लेकिन सिर्फ इसलिए बाइक अल्लाह गया है, वारिस पठान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए गया है, चंद रुपयों के लालच में राष्ट्रवादी को मजबूत करने, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये चंद रुपयों के लालच में बिककर वारिस पठान का नुकसान करने गया है। और अब टिकटॉक पर ही मुजरा करना, अगर फेसबुक पर आए जुमलेबाजी करने तो जरा सोच कर करना, क्योंकि तुम्हारे से ज्यादा जुबान मेरे अंदर भी है मेरे भाई। अगर मेरी जुबान आतिश नुमाई करेगी ना एजाज खान, तो तुम्हारी जुबान फीकी पड़ जाएगी। मैं तुम्हारी तरह बकबक 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 नहीं करता, मैं तुम्हारी तरह अनाप शनाप नहीं बोलता, क्योंकि अल्लाह ने सोच दी है, फिकर दी है, और उसी सोच और फिकर को लेकर बोलता हूं। तुम्हारी तरह बकबक बकबक करूं ना मेरे भाई, तो तुम्हारी जुबान मेरे आगे फीकी पड़ जाएगी। तो मेरे भाई शेयर करो और एजाज खान को कहो कि कौम की दलाली करना छोड़ दो और जाकर अपनी एक्टिंग की दुनिया में अपने कदम बढ़ाओ, लालच की दुनिया छोड़ दो, सियासत में आकर हम मुसलमानों के वोटों का सौदा मत करो, हमारे ईमान और जमीर का सौदा मत करो। आप इसको बताओ मेरे भाई, और इन्हीं बातों से आपके बीच में लाइव आया, शेयर करिए। और एजाज खान मेरे भाई, अपने भाई नसीम सिद्दीकी को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।